Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह पर उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। और अब्बास अंसारी ने एक इंटरव्यू दिया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल उनसे जब सवाल पूछा गया कि नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता, इस पर सवाल पर अब्बास अंसारी का कहना है कि विरासत की बात करें तो लोग खुद अपने गिरेबान में छाक कर नहीं देखते हैं। राजनाथ सिंह के सुपुत्र आज विधायक बनकर बैठे हैं, कल्याण सिंह के परिवार के लोग आज भी मंत्री बनकर बैठे हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है? यह तो जनता के हाथ में है, जो जिसे जिताकर भेजेगी वो बन जाएगा। अपने पिता को लेकर कहा कि मेरे पिता मऊ आवाम की मोहब्बत हैं। अपने पिता मुख्तार अंसारी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे पिता मऊ आवाम की मोहब्बत हैं, साजिश के तहत वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने हमें चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विधायक को किसी पद पर बैठने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने 5 साल तक विकास नहीं बल्कि सिर्फ विनाश किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल तक विकास नहीं सिर्फ विनाश किया है। अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, क्या सिर्फ यही मुद्दा है? जनता इनको नकार चुकी है, इनका दिमाग इनके काबू में नहीं है, इनको बौखलाहट है। बौखलाहट की यह हालत है कि अब जनता को बुलडोजर से डराने की कोशिश की जा रही है। क्या प्रदेश के मुखिया के मुँह से ऐसी बातें अच्छी लगती है? उन्होंने ये भी कहा कि मुकदमा करने वालों के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। निशानेबाज के शौकीन अब्बास अंसारी के पास बहुत सारे अलग अलग किस्म के हथियार भी हैं। इस पर उनका कहना है कि मेरे पास 8 हथियार हैं और वो भी लाइसेंसी हैं। नामांकन के साथ जमा किए गए शपथ पत्र के मुताबिक अब्बास अंसारी पर कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर उनका कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे, लेकिन हमने अपने मुकदमे हटवाए नहीं, वो मुकदमे लगाते रहते हैं, जो सत्ता चाहती है वो करते रहते हैं। 403 में 27% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह के ऊपर महिला उत्पीड़न का मामला है। उन्होंने कहा कि जितने लोग में मुकदमा लगाया है उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगाकर कोर्ट में खसीटूंगा। उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में हैं। अपने पिता के बारे में अब्बास अंसारी ने कहा कि किसी भी बेटे का उसके बाप के साथ ना होना बहुत बड़े दर्द की बात होती है, यह आप नहीं समझ पाएंगे। जनता और ऊपर वाला हमारे साथ है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो भले ही जेल में है लेकिन जनता के दिले में वो अभी भी शेर हैं और आगे भी शेर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी एक ऐसा ब्रांड है और उस ब्रांड का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री का खाना तक नहीं पचता है। मैं देख रहा हूं कि प्रदेश में अखिलेश भैया प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। बुलडोजर के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम केवल अल्लाह से डरते हैं, हम सर झुकाने वाले में नहीं हैं, सर कटाने वालों में से हैं। बता दें कि अब्बास इससे पहले 2017 के चुनाव में मऊ के घोसी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सके हैं, लेकिन वो कुछ ही मतों से चुनाव हार गए थे। और मऊ जिला के विधानसभा सीटों पर 7वें चरण में मतदान है और देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को जो नतीजे आते हैं उसमें अब्बास अंसारी जीत पाते हैं या फिर इस सीट का दबदबा कोई और बनता है। इस पर आपकी क्या राय है बताइए। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।